हे हेलो गैंग, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो ऑफ चार्ली रिएक्ट्स। आई नो भाई, मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। लाइक यार, मैं पिछली एमवीवे और किंग की बीफ चल रही थी, मैं वही आधे पे छोड़ दिया यार। वो लास्ट ट्रैक एमवीवे का था ना, नहीं लास्ट ट्रैक जिस पे रिएक्ट किया था वो किंग का था, एंड उसके बाद एक एमवीवे का एक लास्ट ट्रैक आया, दैट इज डिपेंडेंट कवर। और वो उस टाइम के बाद भाई, मैं वहां से अभी तक कोई ट्रैक नहीं सुना। उसके बाद से ना ये एमवीवे का ये वाला डेस सुना, ना उमर अंजुम की ईपी, ना जानी की ईपी, एंड अभी सैवेज की कल ईपी आई है, एंड वो क्या नाम है, तला अंजुम एक्स राहुल सत्तू आया है ना भाई। बस सबके नोटिफिकेशन देख देख के छोड़ रखा था कि जब भाई घर पहुंचू मैं तो फट से मैं बैठू रिएक्शन करने। सो हियर आई एम। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे भाई, हम लोग को ये ट्रैक सुनना है, दैट इज एमवीवे बंटाया का डिपेंडेंट कौवे। आई नो बहुत लेट हूँ भाई, सॉरी माफ कर दो, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, मैंने सुना ही नहीं है। एंड मेरे पास ना मेरा लैपटॉप था ना कुछ था कि मैं शूट कर सकूँ। सो भाई थोड़ा मुश्किल हुआ है मेरे लिए, तो प्लीज भाई प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लो इस बार। लेट्स गो, सुनते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक बार बस क्रेडिट्स चेक कर लें। प्रोडक्शन भाई दैट किड गोरन, सही पढ़ा ना मैंने? हाँ, मिक्स मास्टर भाई एमवीवे एज यूजुअल, पिछली बार की तरह। लेट्स गो, इस बार मी मैक्स की म्यूजिक नहीं है, लेट्स गो सुनते हैं। Let's go, फिर से भाई ये what's क्या, up? अबे यार ये डिस कहाँ से लग रहा है भाई, ये कैसा डिस है भाई, जैसा वो कर रहा है वैसा ही कर। चलो बढ़िया, लेट्स सी। और इसके बाद अगर ये बहुत तगड़ा ट्रैक हुआ, अगर अभी हम लोग सुनते हैं, और अगर ये बहुत तगड़ा ट्रैक हुआ इसके बाद, किंग ने तो रिप्लाई नहीं दिया है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली भाई एमी वे जीत गया इजिली। लेट्स सी, अभी ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक 5.5 मिनट के। लेट्स गो। मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या बोलते हैं सिंगर लोग आ जा रहे रैप करने। क्या बोला रे छोको, मैं 100% इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अबे 100 ने 1000% इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने प्रूव कर दिया। तेरा प्रूफ किधर है छोको, किधर है? या नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। मुंबई में दोस्ती में गद्दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक। फिर से दिला रहा कौवे काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। अच्छा, महीप जी को लेके दूसरी बार ये चीज रिवर्टल दिया ना। हाँ, एक पहले वाला वो था मम्मी कैसी है, एंड देन ये आई नो वाला, ठीक है। आई नो लजा बेहतर क्योंकि आया तू औकात में, फिर रात में बाबू रोता है चाहिए इसे रीच है। नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। खुद के पैरों पे तू चल नहीं सकता कवे, भिड़ने आ रहा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट। मी मैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो तू मुझसे भारी अच्छा, नहीं। अच्छा, वो की सेम, वो उसने एलिगेशन लगाया था किंग ने की सेम बीट सेम फ्लो सब कर रहा है, सेट की क्या तेरे को मी मैक्स का बीट चेंज नहीं सुनाई दिया। नहीं, साहब बीच में चेंज तो हुई थी, वहां से स्विच हुई थी, तभी तो मैं बोला कि मैंने बोला भी था उस वीडियो में कि यहाँ से ट्रैक बहुत अच्छा लगा, जहां से बीट स्विच हुई थी वहां से ट्रैक अच्छा मी मैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो तू मुझसे भारी बहता नहीं। सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छाता तेरे पोपट लाल तारक मेहता ने। मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया, क्या रे जामुन बता किसका साबुन स्लो है। विम बार दूंगा धोने के लिए, खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर। अच्छा विम बार, ठीक है विम बार, तुम लोगों को पता है विम बार से बर्तन धोते हैं, एंडी सेट के बर्तन दूंगा धोने के लिए बर्तन, खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर है। ओके ठीक है। तू ना सिख फिर भी पेशेंट है, रखा मैंने पेशेंट से कौवे तू नहीं है आसपास। अच्छा। के नाम पे पेटेंट है कंपनी में, ये झंडे ओनर है दो राज ले खोल दिया राज। बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती, कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दे। अच्छा हिसेड की, वो उसने बोला था ना कि भाई मैं सिर्फ दोस्ती में ये ओनरशिप समथिंग ऐसे कुछ बोला था, कि मतलब मैं जो कंपनी वाली बात बोली थी कि जिस कंपनी का ये सेकंड ओनर, मतलब वो इसकी कंपनी है लेकिन ये उसका खुद सेकंड ओनर, ऐसा कुछ करके बोला था, उस पर ही उसने रिवर्टल हिसेड की। बाकी बिजनेसमैन तो धंधे में भाई नहीं करते दोस्ती, फिर से बेकार बात बोल दी कौवे फिर से भाई यार। बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती, कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दी। सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा लेके जा रहा है दोस्ती। आज से गायक टी टी स्टैंड्स फॉर थाउजेंड्स इन इंस्टाग्राम,
पर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे, तू नायाब हो जाएगा, मुझसे सावला तू बोल रहा है। Does it as a shout out to सीधे मौत, नायाब हो जाएगा, ठीक है। एंड he said कि सीधे डैश दूंगा, तो सीधे एंड ठीक है। आई थिंक इट इज अ शाउट आउट। सीधा मुंह दूंगा तेरे पे, तू नायाब हो जाएगा, मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूं शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा कसम, ये क्या था भाई। अभी भाई इस चीज में बहुत ज्यादा गंदा ही ले जाता है। लाइक डिवाइन वाली में उसको बंदर समथिंग गली का कुत्ते से कंपेयर कर दिया भाई, एंड इसमें कौआ भाई। ये देखो भाई क्या है, ब्राइटनेस कम कर दिया तू सीधा कोयले, ब्राइटनेस कम करूं शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा करियर का, मैं एक ही फाउंडर आया ईगल रिंग में, कौवे तुझे किया कॉर्नर, सजा रहता नहीं मैं सजा देता तुझे किया कॉर्नर। ओके लाइक वो कॉनर मैकग्रेगर आया ईगल रिंग में, कौवे तुझे किया कॉर्नर, सजा रहता नहीं मैं सजा देता चमगादड़, लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वॉर्नर, तुम्हारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा भी ब्रेक का, वो लेवल मेरा भाई, इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट, वो अमित का अचीवमेंट, नेपाल गया तेरा भाई, वार्निंग दिया। अच्छा ये इसके भाई का अमित, अच्छा अमित का अचीवमेंट और नेपाल गया बना एटलीस्ट, अमित का अचीवमेंट नेपाल गया तेरा भाई, वार्निंग दिया टिकाने गलती करके तू सीखाने, गलती कर दिया नाम लेके, हाँ भाई का नाम तू लिखा, चोको मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी अमित का, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा, फंबल नहीं बे कौवे रेड कार्पेट पे तू फंफल गया, मैं लंदन विम्बली अरेना मचाया जब तू हसल गया, तेरे ऐसा नहीं मैं जाके हकता नकली एक्शन, जिधर था मैं उसी जगह परफॉर्म किया माइकल जैक्सन। भाई that's some sort of flex भाई, ये करना बनता है भाई, ये तो flex करना बनता है भाई। फुल मजे लेने के मूड में बैठे लाओ, सिंगर के सामने है तो ऑटोट्यून लगा के थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं। गिर के नशे ये बड़े हुए, तेरे जैसे बहुत सड़े हुए, मुझे तूने चुराया सावला, काले तू कौवे, खाली पोयम गारा तू कौवे। अबे यार एयरबड्स कहाँ गया, भैंस की आग भाई, क्या चल रहा है भाई, क्या था ये भाई साहब भाई ओके अच्छा ओके। एक ढाले तू कौवे, ए भाई इतना भाई वाह कैसे डिस्ट्रैक्ट के हुक में इतनी भाई बेस किया भाई, बहुत क्रेजी। I'm not getting over from the hook. मंजारो तू फुकदू में स्मोक फ्रॉम अफ्रीका, पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं याट्रिका, असलियत मालूम सबको ज्ञान क्या अफ्रीका, पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं याट्रिका, असलियत मालूम सबको ज्ञान ना दे तू यहां फरीका, मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका, अकाउंट मुझे खुदा बनाया तू तो चल रहा राका तरीका, रफ्तार ठीक है, रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी, तेरा है तो कुछ भी काउंटर, मुंबई में सब फायर में दिया एक एक बार काउंटर, टूर मेरा लॉक तेरा करियर बिक जाए वो अमाउंट पर, नेटवर्क सिर्फ नेट पे बॉलर में $7 million, मैनिपुलेटर है तू स्टोरी बनाया यैप, बिलीव का स्टोरी ने दिया एएसडी का आंसर, तू खाली झूठ बोलता मैं यहाँ तेरा पोल खोलता, इंडिपेंडेंट नहीं यू बोला प्रूव तो तू कर यहाँ पर। अच्छा हाँ वो बिलीव वाले ने बोला शायद, वो स्टोरी वगैरह लगाई थी ना समथिंग बिलीव म्यूजिक ने, एएसडी वाली जो भी बात थी उस पे डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलेटेड था, तो लाइक इसने प्रूव कर दिया भाई, किंग ने किंग कह रहा है अमीवे ने अपना साइड प्रूव कर दिया कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सो देयर इज नो पॉइंट भाई। इसके बाद अगर किंग ने रिप्लाई नहीं दिया था तो भाई खत्म है भाई,
बहुत कुछ बोल गया मैं यहाँ तेरा पोल खोलता इंडिपेंडेंट नहीं यू बोला प्रूव तो तू कर यहाँ पर टॉपिक से हट रहा फिर हग रहा है मुंह से शिट बिलीव में किया तूने कमर्शियल एल्बम फिट हिप हॉप का एल्बम इंडिपेंडेंटली करके दिखा के ओ टी एस मारा कौवे 100 मिली हिट सारे एल्बम तेरे लेबल के पास जमा है इंडिपेंडेंट हिट सिद्धू नहीं बे कौवे सिद्धू पाजी बोल गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी बिग भाई ये लाइन बोल के ना और मतलब होता है ना कि एक होता है ना लाइक कि उसने सिद्धू बोला एंड इसने सिद्धू पाजी बोल दिया तो लाइक इस पे बहुत ज्यादा अटेंशन जाएगी ठीक है कि ये बात तो सही कह रहा है भाई कि ही इज लाइक लेजेंड भाई वो लेजेंड है एंड रहेगा हमेशा तो ही सेड कि सिद्धू नहीं बे सिद्धू पाजी बोल तो 95% मामला तो अब कर लिया अपने साइड सिद्धू नहीं बैक होवे सिद्धू पाजी बोल गैप सीधा खाचे में वेरी 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 बिग अगले गाने में पता नहीं आके ये बोलेगा माइकल जैक्सन के बाद इसको वेगा स्टैक थिक थिक इधर बेटा एक ही चीज है जिस पे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे क्योंकि तू ड्रिल में आने कांप रहा है किसे ये सब सीखा सच्ची बता तेरा बाप रहा है मुजान असली नहीं हसीरा कौन सा रियल है खुद ही अरे फ्रेंड्स और खुद उससे भाग रहा है ये तो बढ़िया है ये बात मुझे भी सोचने मतलब जब वो हसीरा और वो वाला रेफरेंस दिया एंड उसके बाद बोला कि मुजान कौन सा समथिंग असली वाली बात चल रही थी तो फिर मुझे भी लगा कि यार जब दोनों एनिमे कैरेक्टर है तो इसमें असली नकली वाली बात ही नहीं होनी चाहिए थी तो खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे भाग रहा है हसीरा लेवल 4 से आ रहा लेवल 3 पे कुछ भी लिखने लग रहा कोवे हो गया तो भावड़ा है मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में मैं खुद रहा था कब्र ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को दफन होते इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके मर चुका तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके मस्त भी बहुत अच्छा ट्रैक है बहुत तगड़ा ट्रैक मुझे अच्छा लगा भाई तुझे क्या लगा तूने गालिब की तारीफ की गालिब भी आएगा और तुझे गालिब अच्छा ओके नहीं उसका इतना गंदा सीरत है पर बात तो ये फैक्ट है मुझे नहीं तुझे लड़कों की जरूरत है भाई ये पहली लाइन थी किंग की कि तुझे लाइक पहली डिसमेंट लाइन थी कि तुझे और लड़कों की जरूरत है समथिंग आई कैंड ही से भाई ही प्रूव्ड इट क्योंकि इसने गालिब को नहीं लाया और वो बेला को ले आया बेला के लास्ट में वोकल्स थे भाई क्रेजी भाई बहुत सही भाई अमी वे भाई क्या क्या क्रेजी खेला है भाई माँ कदम क्या ही क्रेजी खेला है मजा सा आ गया भाई दिस ट्रैक इज इनसेन भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत तगड़ा ट्रैक लगा पूरी बीफ का ये सबसे बढ़िया ट्रैक था एंड म्यूजिकली वाइज देखूँ तो इसके पहले जो किंग का ट्रैक आया था उसका म्यूजिक बहुत तगड़ा मुझे लगा था जो कि मैंने बोला था वीडियो में ठीक सो इसके बाद कोई रिप्लाई आया नहीं किंग का तो ऑब्वियसली सिंपली भाई मतलब विदाउट अ डाउट एमी वे जीत चुका है क्योंकि एमी वे ने अपना साइड प्रूव कर दिया कि ही सेड कि ही इज इंडिपेंडेंट एंड उसने वो प्रूव कर दिया एंड किंग के पास कोई प्रूफ नहीं है कि तू इंडिपेंडेंट नहीं है तो एंड उसने उसके बाद इसका रिप्लाई आना चाहिए था लेकिन समहाउ नहीं आया किंग के साइड से रिप्लाई एंड उसने बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी डाली थी भाई उसका कोई मतलब नहीं बनता भाई अगर तुम एक बार एंटर कर गए बीफ में तो फिर इतना लंबा चौड़ा स्टोरी डाल के तुम एंड अप नहीं दे सकते तुम हार गए टू बी ऑनेस्ट तुमने खुद भी मानी वो चीज़ की यू आर क्विटिंग लेकिन तुमने दूसरे में भी मानी कि भाई इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा लेकिन वो चीज़ बेकार भाई ऑब्वियसली सेंस निकल रहा है पूरी बातें हुई हैं तो तुम्हें टिकना चाहिए था तुम नहीं टिके तुम्हारी गलती है लेट्स गो भाई एम ए क्रेजी ट्रैक ऑल दो एंड तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा ट्रैक है हुक भाई हुक बहुत क्रेजी था हुक से तो मैं अभी देखो कितने दिन हुक चलेगा मेरे घर मतलब मेरे मुंह से कितने दिन हुक निकलेगा भाई क्रेजी हुक था भाई चलो तब तक के लिए चलता हूँ मैं तुम लोग अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में डाल के जाना भाई ठीक है ओपिनियन ठीक मिलता हूँ तब तक के लिए मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून गाइस पीस अप